नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube फैमिली टारगेट अचीवर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में इंडियन आर्मी के एक और सिलेबस के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी नहीं स्किप किया आपको पूरा देखना है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप भारतीय सेना के यानी कि इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप अगर रिलीजियस टीचर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी घटनाओं के बारे में, कौन कौन इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा लास्ट तक देखना है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे जानकारी दी जाएगी कि आप भारतीय सेना ज्वाइन करते हैं जिसमें पोस्ट की बात करें तो रिलीजियस टीचर की पोस्ट के बारे में हमें सिलेबस क्या होता है, इसमें एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कट ऑफ क्या रहता है, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसलिए हमारे साथ चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। सॉरी दोस्तों, ये जो हमने चार्ट डाउनलोड किया है जो कि रिलीजियस टीचर का सिलेबस है, जो कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से किया है, आप भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी ट्रेड इंडियन आर्मी के अंदर होते हैं सभी के ऊपर हमने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे जाकर आप देख सकते हैं अलग अलग सिलेबस इंडियन आर्मी GD सारे ट्रेड्स का हमने बनाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रिलीजियस टीचर में सबसे पहले आपको पेपर की बात कर लेते हैं, कितने एग्जाम होते हैं। दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का रहता है, 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड जो होता है नॉलेज एंड रिलीजियस डोमेन के ऊपर होता है, जिसमें भी आपके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के मिलते हैं। रिलीजियस टीचर की बात करें तो इसमें लास्ट जो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में दोस्तों आपको बता दें कि इंटरव्यू के अंदर आपसे यहाँ पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स आपको 50 बताए जा रहे हैं। दोस्तों, कर लेते हैं इसके बारे में टोटल बात, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो 40 मार्क्स यहाँ पर आपको लाने होते हैं। सेकंड जो पेपर होता है नॉलेज ऑफ रिलीजियस डोमेन का, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, 40 यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स लाने होते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपके क्वेश्चन, इसमें जो भी इंटरव्यू लिया जाता है उसमें 100 मार्क्स का आपका टोटल इंटरव्यू रहता है। दोस्तों, इसमें पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो आपका 300 का यहाँ पर टोटल एग्ज़ाम पेपर रहता है। तो सिलेबस में इसमें आपको पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें एक सिर्फ और सिर्फ आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, 130, यानी कि 130 मार्क्स यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स बताए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपका इतना नहीं रहता है, बल्कि हाईएस्ट स्कोरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ यहाँ पर कितना रहेगा। यहाँ पर आपको जो बताना चाहेंगे कि जो भी सिलेबस आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो चुका है, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर लिस्ट रहती है, जो मेरिट लिस्ट होती है उसी के चांसेस, आपके हाईएस्ट स्कोरिंग अगर आपकी है तो ही यहाँ पर आपके चांसेस सिलेक्शन के रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने की कोशिश करें, अपने प्रिपेयर को और भी मजबूत करें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के पेपर के बारे में, कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक होता है GS का। दोस्तों, GS की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज में आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स आपके होते हैं यहाँ पर GS के अंदर। GS की बात करें तो टोटल इंक्लूडिंग क्वेश्चन जो हमारे रिलेटेड इंडिया के अंदर जो शामिल होते हैं, भारत के जैसे पड़ोसी हमारे संबंधित देश हो गए, इसके अलावा आपको पड़ोसी देश के विशेष रूप से इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर कौन क्या है। इसके अलावा यहाँ पर शांति के तक्षक जो होते हैं, खेल पुरस्कार, शब्दावली, भारत के सशस्त्र बल यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे जैसे हमारे महाद्वीप हो गए, उपमहाद्वीप हो गए, उसके बाद इन्विटेशन हमारे जो आविष्कार होते हैं और खोज, भारत का संविधान के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तक जैसे कि जो बुक होते हैं, ऑथर के बारे में, बुक्स ऑथर के बारे में, इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जो भी नॉलेज आपको होना चाहिए इंडिया के अंदर लेवल के अलावा, करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स जो कि भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश में जो भी इवेंट्स होते हैं उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण हमारे दुनिया में होती है, महत्वपूर्ण दुनिया में जो भी घटनाएँ घटित होती है, उसके अलावा हाल ही के वर्षों में वर्तमान महत्व ज्ञान का जो खोज होता है, ज्ञान महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान आपको होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, भारत का जो प्रमुख व्यक्तित्व आदि के बारे में आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, सेकंड जो पेपर रहता है सिलेबस सेकंड, इसमें आपको पंडित मौलवी सभी भाषाओं का जो मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर आपको बता दें कि यहाँ पर
नॉलेज ऑफ रिलीजियस डोमेन के बारे में आपसे पूरे टोटल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको सभी भाषाओं का ज्ञान होना, उनके बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, सभी के बारे में जानकारी अगर है तो आप यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जैसे इम्पोर्टेंट करेंट नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पर जो कि जीके के अंदर पूछे जाते हैं, करेंट में नॉलेज, करेंट में जो घटनाएं हुई होती है, इन टॉपिक पर आप विशेष ध्यान दें ताकि आपको हाईएस्ट स्कोरिंग करने पर आपकी जो प्रिपरेशन है वो हाईएस्ट मजबूत हो सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिलेबस के बारे में जानकारी दी। अगर कट ऑफ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि कट ऑफ यहाँ पर 130 नंबर का बताया जाता है नॉर्मल, लेकिन हाईएस्ट कट ऑफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। मेरिट लिस्ट आप पिछले ईयर के चेक कर लीजिएगा, उस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना स्कोर आपको करना है। आपका टारगेट फिक्स करें कि हाईएस्ट स्कोर मेरिट लिस्ट में आने का पूरी प्रिपरेशन आप करें। दोस्तों आज के वीडियो में रिलीजियस टीचर का जो यानी कि शिक्षा गुरु होते हैं, सॉरी धर्म गुरु जो होते हैं, धर्म टीचर शिक्षक जो होते हैं, उनके बारे में हमने उनका जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम सिलेबस, किस तरह से आप इन टॉपिक को पढ़ के अच्छे हाईएस्ट मार्क्स से क्वालिफाई अपने एग्ज़ाम कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चैनल पहली बार आया था, वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों रिलीजियस टीचर की अगर आप जानकारी चाहते हैं कि इसमें एजुकेशन क्या चाहती है, हाइट, चेस्ट, वेट के बारे में सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, हम जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।